ये जो तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस है ना, इसी में रह गए तुम। नहीं दीपिका, ओवर स्मार्टनेस नहीं, हम तो ना चुतियापे में रह गए जिंदगी भर। हमने कहा था नहीं नहीं, हमारा पति ना जेल में, हम आए देते सालों पर मदद मांगने, है ना? तुम मना कर देते। पिकी तुम्हें, हमें दोनों को पता है कि हम ना मना नहीं कर सकते तुम्हें। बस बस किया कभी मना आज तक? तुम्हारा ना 12वीं का बोर्ड का एग्जाम था, तीसरी मंजिल पे 1000 टके वर्ड टू वर्ड डिक्टेट कर रहे थे तुम्हें, हम खुद फेल हो गए थे पर तुम्हें पास कराया था हमने। बचपन से बच्चंगे फैन थे पर तुम्हारे चक्कर में ना जिम्मेदार बने घूम रहे हम, इतने सालों से कोशक कोशक कर रहे हैं। हमें पता नहीं क्या ये समय में सेकंड हैंड मिथुन का क्या हमारा मजाक उड़ाते हैं, पर हमें फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि ना तुम्हें मिथुन पसंद है। पहले तो इतना नहीं बोलते थे तुम। अरे पहले इतनी लगी तुम्हें इतना हमारी लौटा ना आंख उठा तुम्हें देख नहीं सकता था, इससे बड़ा कर दिया था हमने। तुम्हें जाति को जब पैस हुआ तो बस मेरे तक क्या हरिद्वार कौन गया था दवाई लाने? हम। अच्छा अभी फ्रेंडशिप का हिसाब गिनाओगे? अरे फ्रेंडशिप का हिसाब नहीं गिना रहे हैं, पर तुम हमें फ्रेंडशिप सिखाओगी? इनकी शादी के बाद ना एक फोन नहीं किया तुमने हमें। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, इमोशनल फूल हो तुम, ये लॉजिक वॉजिक तो तुम्हारी समझ में आता ही नहीं है ना। नहीं, नहीं, सही बात है, हम तो है इमोशनल फूल। गोली चलाओ तुम, लोगों को मारो तुम, और साथ में कौन खड़ा है तुम्हारे? इमोशनल फूल। करेंगे इस बार भी, छुड़ाएंगे तुम्हारे पति को, थोड़ा बहुत जमा किया अपने लिए ताकि दे देंगे, तुम छुड़ा लो अपने पति को। पर हमारा तो क्या है, हम तो आलू मटर बेच के खुश है ना, पर तुम सुखी रहो पिंकी।